अंतर राम राय प्रगटे आए Dio Rangulai.
धनवंता Love.
सुख पंज जीत लावे हर नाम विच हर गुरमुख ध्याई है जे वस्त मंगी है साई पाई है हर नाम चित लाई है चित लावे नमस्कार ता को लख बार ए मन दी जय ताको वार सिमरन ताके मिटे संताप होए आनंद न व्यापे ताप ऐसो हीरा निर्मल नाम जास जपत पूर्ण सब काम जाकी दृष्ट दुख डेरा टहे अमृत नाम शीतल मन कहे अनित भगत जाके चरण पुजारी सगल मनोरथ पूर्णहारी खिण मैं पूरे सुभर भरिया खिण मैं सूके कीने हरिया खिण मैं निथावे को दिनो थान खिण मैं निमाने को दिनो मान चीत लावे महान चीत लावे महान चीत लावे सब दुख भंग सिमरन सब किछ पाई है किर्थी कहाल न जाई तिस प्रभु त्याग अवर कतराचो जो सब में रहा समाई हर हर सिमरो हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिल नाम ते आओ पूर्ण होवे काला सार संभाले नित प्रतपाले प्रेम सहित कल लाए कहो नानक प्रभ तुमरे विसरत जगत जीवन कैसे पावे सर्व सुख दाता हर इच्छा पूर्त सर्व सुख दाता हर जाके वस है काम देना सो ऐसा हर ध्याये मेरे जीने ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतना सदा सतनाम हलत पलत मुख गूंजन होई है नित ध्याई है हर पुरख निरंजना जय हर सिमरन भया तहे उपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक को पुर ए मत दीनी जब हर भोजन तरना चीत लावे महान चीत लावे महान चीत लावे सब दुख पंज चीत लावे सब दुख।
राम गोबिंद जपिंदे जो गोविंद मनो की सारी है।
राम गोविंद जपिंदे हो मुख पवित्र राम गोविंद जपिंदे हो मुख पवित्र जीवन रूप गोपाल संत जना की रास जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास नानक उपरे नाम जप नानक मन विच वस जावे बड़िया बरकतां ने वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडियाईयां बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति पूर्ण आनंद है। जपदे हाँ जपन के जतना विच हाँ हिरदे च वसाउण के जतना विच हाँ साड़ी लोड़ भी है साड़ा जतन भी है। लोड़ भी साड़ी है कि सानू सुख मिले तो सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलता साढ़े सारिया का प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जाए। जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं मन अजे शांत नहीं
जदों कदी ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिरे महसूस होवे समझ लैना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदों रोमा विचों अमृत चढ़दा है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून के कतरिया के विचों भी कली कली नस विचों पूरे शरीर विचों स्वासा विचों नाम उचरिया भी जाता है ते नाम सुनदा भी अपने आप नूं अपने आपे विचों ते अपने आले दुआले विचों नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इसे शब्द आपां पढ़ रहे हैं ना, साहिबां च कहिंदे ने नाम जीत आवे सद कीर्तन करता। कमाल की गल है, कीर्तन कितने घंटा डेढ़ घंटा तो हो गया, सदा ही कीर्तन होता रहे, ये किवें हो सकता? वो एक अवस्था है। कोई उसनू अनहद नाद की गल करता, कोई उसनू इलाही नाद की गल कह के करता, कोई किसे ढंग नाल दसदा है, लेकिन यह बिल्कुल सत है कि जिसले वाहिगुरु हिरदे च वस जावे ना, जो लोर ते मस्ती पैदा होंगी, जो आनंद की अवस्था पैदा होंगी है, हर वेले ही जीवन च एक संगीत गूंजता है। हर वक्त ही आला दुआला ते मनुख का अपना शरीर इं ही जापता है जिवें झूम झूम के गा रहा हो। ते नाना होवे ते जिहड़ा मर्यादा अनुसार कीर्तन असीं करने आ, कई वार इह भी बोझ जापता, सुनना भी बोझ जापता, करना भी बोझ जापता। हिरदे च ना वसे आनंद ना देंदा ते वगार जापता, बोझ जापता। शुरू शुरू में सारा कुछ बोझ ही जापता है। मैं एक बेनती करा, बच्चे स्कूल तोरने पहला आड़ी भी करता है। कोई विरले बच्चे होंगे ने जो शौक न तुरते हैं, दूसरे बच्चों वाल वेख के इन्हों का लिबास बड़ा वधिया है, उत्थे खेडते हैं, हंसते ने, नचते ने। कई बच्चों के अंदर यह शौक पैदा करता जाता है, बनेगा बहुत वड्डा अफसर, बनेगा बड़िया तरक्कियां करेगा, वह चा लैके तुरदा। नहीं तो आम तौर पर बच्चा जिहड़ा स्कूल जाण लगे बहुते तो रोंदे भी वेखेगा, उन्होंने एक बार धक्के स्कूल पहुँचा पैदा, उत्थे जाके बहिंदा, एक तो जकड़ के बहना बड़ा होता है, एक जो कुछ पढ़ाते हैं वो समझ तो बहरा होंगे, वो पहला पहला बड़े परेशान होता है, पहला पहला उसनू उड़ा एड़ा या ए बी सी या जो भी अक्षर हैं वो बोझ जापते हैं। लेकिन चार दिन बाद वो जो बोझ है वो ज्ञान का बोध का एक सोमा बन जाता है, फिर उही अक्षर मौज बन जाते हैं। उन्होंने अक्षर बिना नींद नहीं आती, जब तक कुछ पढ़ ना लवे वो मन की शांति नहीं बनती। यह संसारी पद्धर की गल, धर्म के मार्ग से भी ऐसा है। शुरू शुरू च अमृत भी बोझ जापता है, नितनेम भी बोझ जापता है, बाणी पढ़नी गाउनी सुननी भी कई बार बोझ जापती है। और बहुत बंदे ऐसे वेखे ने जे कदे कदा इस पासे तुरन वाले ने ना, कीर्तन सुनना पै जाए, थोड़ा जि अगे पिछे हो जाए, लेट हो जाओ, वासियां मारते हैं, पासे मारते हैं, किड़े वेले भोग पवे जान छुट्टे फसे जापते। लेकिन माड़ा जहा बंदा रुचि लावे तो जिस तरह वो बेनती की है, स्कूल जाने वाले बच्चे कई ऐसे भी होंगे ने, वह वरिया बंदी पंद्रह पंद्रह भी वरे बोझ ही ढोते रहते, पढ़ते भी किताबों मत्था मारते भी ने, रोंदे हुए दुखी होंगे हुए, कई बार वह फेल हो जाते, तो तू तू के अपने आप को शर्मो को शर्मी दूसरे नाल तोड़ते ने, चा पैदा नहीं होंगे, शौक नाल नहीं पढ़ते। तो फिर उनके माता पिता उनका आला दुआला कहते पढ़ता तो है, पढ़ता कहता है विगार कटता है, तू घसीट के तुरिया आता है। वैसे पढ़ने वाली गल कोई नहीं, बिल्कुल इस तरह साड़ी गल। उत्थे भी कुछ लोग ऐसे होंगे ने जिहड़े असी कहने उन्होंने बड़े बड़े स्कॉलरशिप मिलते हैं, वजीफे मिलते हैं, बड़े बड़े इनाम मिलते हैं, तो कई इनामों के शौक में भी सब कुछ करते हैं, पर कई सिर्फ पढ़ने का शौक, इस गल का सवाल नहीं। कुछ इनाम मिलेगा, कुछ वडियाई मिलेगी कि ना मिलेगी, वो केवल पढ़ते केवल करते, करन दा ठरक है, करन दा शौक है, वह अवस्था बड़ी प्यारी। भगती में भी इस तरह, सिमरन वाले भी इस तरह, कुछ लोग ऐसे ने जेड़े शर्मो शर्मी लगे, कुछ ऐसे भी ने जेड़े लालच में लगे कि जपांगे पढ़ांगे करांगे कुछ मिलेगा, यह भी बहुत छोटी जी अवस्था है। वो स्कॉलरशिप का लालच कह लो, सर्टिफिकेट का लालच कह लो, लेकिन जेड़ा पढ़न का स्टडी फॉर स्टडी सेक, जदों एक भगती आ जाए ना, भगती भगती वास्ते, सिमरन सिमरन वास्ते, भजन भजन वास्ते, उदों जेड़ा आनंद आता है ना, उत्थे ना कोई लालसा रह जाती, ना कोई इच्छा रह जाती, उदों आनंद पैदा होता है, उदों स्वाद पैदा होता है। तो आता इस तरह ही है कि जपदिया जपदिया ही अंदर लग जाता,
सिमरदिया सिमरदिया हिरदे च वस जाता। कोई बंदा कवे ना कि हिरदे में पहला वस जाए फिर वेखांगे जपण की गल नहीं। हर चीज की एक एक चैनल होंगे, हर चीज की एक जुगत होंगी। असी पीढ़ी धरती से पाने तो असं यह नहीं करते आकाश च लटका दई हवा च लटका दई थले फलेगा कोई नहीं फलना। वो धरती च ही सुटना पेगा, धरती में ही जड़ कायम करके उतान उठेगा। इवें सिमरन की थान जी पहला जीभा से, जीभा तो यह अपनी जड़ हेठा नूं लिजांदा है ते अपना फल सुरती नूं लिजांदा है। हिरदे विच इहदियां जड़ां बणदियां ने, सुरती विच इहदे पत्ते फलदे फुलदे ते इहनूं फल लगदे, पूरा शरीर इहदे रस नाल भर जांदा है। जपदियां जपदियां सिमरन बन जांदा है ते जदों जपदियां जपदियां आखिर मूंह नाल जपांगे ते मुख पवित्र हो जांदा, रोमा विच शरीर च रच जांदा है ते सारा शरीर आनंद नाल भर जांदा। उस अवस्था में जाके यो प्रतीत होंदा है कि जिस वाहिगुरू नूं याद करदा सां वो हिरदे च आके बह गया, अंदर आके टिक गया। हालांकि वह कितने दूर नहीं सी, मैनू ही भुलिया, मैं ही भुला बैठा सी। इत्थे महाराज कहिंदे ने अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरे दियो रंग लाए। वो जिहड़ा रंग लगता है ना, उस अवस्था च चीत आवे तो सर्ब को राजा, चीत आवे तो पूरे काजा, चीत आवे तो रंग गुलाल, चीत आवे